आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेशन। हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन किसे कहते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी वाटर और सॉल्यूट की बैलेंसमेंट को बिटवीन ऑर्गेनिज्म और उनके माहौल के दरमियान हम उसे ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन बहुत ज़रूरी होता है फॉर बैलेंस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन सेल। हम जानते हैं कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और हर सेल की अपनी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है, वाटर की भी और सेल की भी, जो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करती है। और ये जो कंसंट्रेशन होती है ये मेंटेन की जाती है होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म के जरिए से। अगर हम इसकी डेफिनेशन प्रॉपर देखें तो वह है द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट, यानी बैलेंसमेंट ऑफ वाटर और सॉल्यूट बिटवीन ऑर्गेनिज्म जानदारों के दरमियान एंड एनवायरनमेंट और इनके माहौल के दरमियान कार्ड ऑस्मोरेगुलेशन, तो ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाता है। ऑस्मोरेगुलेशन इज रिक्वायर्ड, ऑस्मोरेगुलेशन ज़रूरी होता है फिर बैलेंस मेंटेन करने के लिए ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट को एंड सॉल्यूट और सॉल्यूट को इन सेल्स सेल में। वी नो दैट, हम जानते हैं कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर एक कुदरती सॉल्वेंट है एंड ईच सेल हैज स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर और हर सेल की स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है वाटर की एंड साल्ट और साल्ट की टू परफॉर्म फंक्शन परफॉर्म करने की। अगर हम देखें तो इसकी तीन बेसिक टाइप्स हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट की ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। फर्स्ट इसकी टाइप है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक कहा जाता है लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन को, जिसमें सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। दूसरी टाइप है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की। हाइपरटोनिक कहा जाता है हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन को, जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होता है। तीसरी इसकी टाइप है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट, जिसमें सॉल्यूट सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट को। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डाइल्यूटेड होता है एज़ कम्पेयर टू सेल कंसंट्रेशन, यानी इसमें सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेल कंसंट्रेशन, सेल की कंसंट्रेशन के मुताबिक। इसे हम हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में एंडोसमोसिस होती है, यानी जो पानी है वो सेल के अंदर दाखिल हो जाता है और आप यहाँ से देख रहे हैं कि फिर सेल जो है वो फूलना शुरू हो जाते हैं और एक स्टेज आती है जब सेल फट जाता है। दूसरी इसकी टाइप है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है वो कंसंट्रेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू सेल कंसंट्रेशन, यानी इसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है सॉल्वेंट कम होता है सेल के अंदर के हिसाब से। इसमें अगर देखें तो इसमें एग्जोस्मोसिस होती है, यानी पानी जो है वो सेल के सेल से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में सेल सिकुड़ जाता है। तीसरी इसकी टाइप है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम क्वांटिटी में होते हैं, यानी एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट बिल्कुल सिमिलर होता है। इसमें ना तो एंडोसमोसिस होती है ना एग्जोसमोसिस, या ना पानी दाखिल होता है सेल के अंदर और ना बाहर निकलता है, ना सेल फूलता है और ना सिकुड़ता है, इसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल मेंटेन रहती है।